हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सबके सामने, जहाँ पर एक और नया प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ मैं, जहाँ से आप लोग फ्री में ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो दोस्तों, जिसके साथ आप लोग सर्टिफिकेट भी ले सकते हो बिल्कुल फ्री में दोस्तों। तो जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पर और ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आप लोग एक बार चैनल पर विजिट करके देखो, आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। बहुत सारे कोर्सेज मैंने बता रखे हैं जो कि फ्री मिल रहे हैं आप लोगों को, जिनके साथ सर्टिफिकेट मिल रहा है, इंक्लूडिंग लिंक्डइन, कोर्सेरा, यूडेसिटी, डाटा कैंप, यूडेमी, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स बता रखी हैं आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को कोर्सेज बिल्कुल फ्री में कैसे मिलेंगे और सर्टिफिकेट भी फ्री में मिल रहा है, तो पूरी प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म का नाम है सिस्को दोस्तों, तो जिन लोगों को सिस्को के बारे में नहीं पता, मैं उनको बताना चाहूंगा, जहां पर भी IT एंड नेटवर्किंग का नाम लिया जाता है वहां पर सिस्को सबसे ऊपर आता है दोस्तों, वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज में गिना जाता है सिस्को। तो यहां से आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स करने का अभी मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसको भी IT एंड सिक्योरिटी की लाइन में जाना है, नेटवर्किंग की लाइन में जाना है, या फिर पहले से जॉब कर रहे हैं, वो भी ये कोर्स कर सकते हैं और अपनी रिज्यूमे में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है दोस्तों अगर सिस्को का सर्टिफिकेट आपके पास होता है तो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैसे आप लोगों को इनरोल करना है और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर आप लोगों को फ्री में मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी नाम है इस वेबसाइट का। बेसिकली यहाँ पर कुछ इंट्रो दिया हुआ है आप लोगों को कि किस टाइप से आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर नेटवर्किंग के कोर्सेज मिल जाते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, प्रोग्रामिंग के, साइबर सिक्योरिटी के, OS के एंड IT के, पैकेट ट्रेसर के कोर्सेज मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, मैंने खुद विजिट किए हैं ये सारे कोर्सेज में, मैंने एक कोर्स में इनरोल करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे इनरोल करना है, क्या क्या आप लोगों को मिलेगा, कैसा कंटेंट है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को इनरोल करने के लिए यहाँ पर जाना है कोर्सेज में, कोर्सेज में आप लोगों को अलग अलग फील्ड्स दिए हैं, तो डायरेक्ट हम जाते हैं ऑल कोर्सेज में, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे कोर्सेज दिखाने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को मिल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर आप लोगों को क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पर एक अलग विंडो ओपन हो जाती आप लोगों के सामने। यहाँ पे आप लोगों को अपनी लैंग्वेज चूज कर लेनी है कि किस कौन सी लैंग्वेज में, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ पे कोर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्किल चूज कर लेनी है, आप लोग बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस लेवल के हो। टॉपिक भी देख सकते हो आप लोग कौन से टॉपिक में देखना चाहते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्री ऑनलाइन कोर्स कौन कौन से मिलेंगे, यहाँ पे अभी मिक्स कोर्स आ रखे हैं जो कि पेड भी हैं, इंक्लूडिंग CCNA का भी कोर्स है यहाँ पे, साइबर सिक्योरिटी के भी कोर्स हैं। तो आप लोग को बहुत सारे कोर्स अच्छे अच्छे दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो आधे कोर्स इसमें पेड हैं, तो आप लोग को फ्री ओनली करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्टर LED ये हटाना होगा। अब जो कोर्सेज दिखाई देंगे ये सारे फ्री होंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। तो यहां पे अब दोबारा से रीलोड हुआ है, तो ये कोर्सेज आप लोगों के लिए, पैकेट ट्रेसर के कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी का जो कि बहुत अच्छा कोर्स है, ये इसमें आप लोगों को मैं एनरोल करके भी दिखाऊंगा। तो यहां पे इन कोर्सेज में सबसे अच्छा मुझे साइबर सिक्योरिटी का ही लगा, वैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी काफी अच्छा कोर्स है, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो यहां पर अलग अलग कोर्सेज आप लोग देख सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप का भी है, मोबाइल मोबिलिटी फंडामेंटल्स का भी है, तो आपके हिसाब से कर सकते हो। मान लो आप लोग बीटेक कर रहे हो इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तो भी आप लोग ये कोर्स कर लो, मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा यार, क्योंकि सिस्को बहुत बड़ी कंपनी है, इसका आप लोग को सर्टिफिकेट आसानी से नहीं मिलता दोस्तों। तो आप लोग को करना क्या होगा, जैसे आप लोग को जिस भी कोर्स में आप लोग को एनरोल करना है उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे मैंने अभी बताया था साइबर सिक्योरिटी, तो मैं इस कोर्स में एनरोल करना चाहता हूं, बिगनिंग लेवल का ये कोर्स है, यहां पर लर्न मोर पर मुझे क्लिक करना होगा दोस्तों। तो मैंने लर्न मोर पर क्लिक किया, अब मेरे सामने कोर्स की कुछ बेसिक डिटेल्स आ जाती हैं कि सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के द्वारा ये कोर्स मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे दिखा रखा है कि विद बिलियंस ऑफ डिवाइसेस नाउ ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन ही आप लोगों को ये कोर्स मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब इस कोर्स की लेंथ बता रखी है, तो 15 आवर्स का ये कोर्स है, काफ़ी जब भी मैंने बताया था आप लोगों को काफ़ी अच्छा कोर्स है, लॉन्ग कोर्स में आ जाता है 15 आवर्स आप लोगों के लिए। उसके बाद कोस्ट बता रखा है फ्री, और साथ में स्टार भी लगा रखा है, स्टार का मतलब जस्ट इतना है कि आप लोग ऑनलाइन LED जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोर्स फॉर ऑनलाइन LED इज डिटरमाइंड बाय द इंस्टीट्यूशन, लेकिन ये सेल्फ ऑनलाइन पेस्ड कोर्स है, तो आप लोग को ये फ्री में मिल रहा है, इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी फ्री में मिलेगा आप लोग को। यहाँ पर बिगनिंग लेवल है, लर्निंग टाइप लिखा है कि आप लोग को इंस्ट्रक्टर LED के हिसाब से करना है कोर्स, तो आप लोगों को पेड होगा। अगर आपको सेल्फ ऑनलाइन पेस्ट करना है, यानी कि ऑनलाइन आप लोगों को लेना है, तो आप लोगों के लिए फ्री है। तो हमें तो ऑनलाइन चाहिए इस टाइम पे, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जस्ट आप लोगों को यहाँ पे नीचे थोड़ी सी स्किल्स बता रखी हैं कि क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा इस कोर्स में, और ये नेटवर्क एकेडमी के बारे में बता रखा है, तो आप लोग कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी आप लोगों को मिलेगा। अब हम साइनअप की बात कर लेते हैं, आप लोगों को साइनअप कैसे करना होगा, तो यहाँ पर साइनअप टूडे का बटन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस आ जाते हैं आप लोग के सामने, तो आपको जौन सी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप लोग को इनरोल करना चाहते हो उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। जैसे मुझे इंग्लिश
बेटर लगती है, तो मैं इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करते ही दोस्तों आप लोगों के सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा कि आप लोग सेल्फ इनरोल कर रहे हो इस कोर्स में, आप लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे सिस्को वर्चुअल अकेडमी के द्वारा ये कोर्स दिया जा रहा है, तो इसकी वैलिडिटी 30 अक्टूबर तक रहेगी दोस्तों, यानी कि 30 अक्टूबर तक आप लोग इस कोर्स में इनरोल कर पाओगे, फ्री में सर्टिफिकेट ले पाओगे। तो उसके बाद यहाँ पे ऑथर का नाम है जिन्होंने ये कोर्स बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे इनरोल करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट नेम अपना नाम डालना होगा, रियल नेम डालिएगा जो आप लोगों को सर्टिफिकेट पे चाहिए, लास्ट नेम डालना होगा, ईमेल डालने नहीं होगी, ईमेल भी रियल डालिएगा क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए कोड आता है यहाँ पे। मैंने जस्ट इनबॉक्स किटन यूज किया हुआ है क्योंकि मेरे को तो आपको दिखाना था कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे उसके बाद ये कैप्चा आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, जस्ट इतनी सी प्रोसेस साइनअप के लिए। लेकिन अभी कुछ रह जाता है, थोड़ी मुझे लंबी लगी इनकी प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक और अलग पेज आता है, यहाँ पे आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद identity.cisco.com यहाँ पे ओरिजिनल जो सिस्को वेबसाइट है वहां पे ले जाके वहां पे भी रजिस्टर करवाते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे दोबारा से आप लोग को अपनी ईमेल एड्रेस डालनी होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री में आप लोग अपनी इंडिया डाल सकते हो जिस भी कंट्री से हो, कंपनी में आप सेल्फ डाल सकते हो, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होगा, एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, यानी कि एक बड़ा लेटर डालना होगा, एक छोटा लेटर पासवर्ड में। उसके बाद आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप लोग को ऑफर वगैरह चाहिए नहीं चाहिए सिस्को से रिलेटेड। उसके बाद आप लोग को रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर हो चुका है रजिस्टर। उसके बाद वेरीफिकेशन ईमेल जाती है, मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोग रियल ईमेल डालिएगा, वेरीफिकेशन करवाते हैं क्योंकि ये। उसके बाद आप लोगों को वेरीफाई पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप लोग वेरीफाई पर क्लिक करते हो आप लोगों के सामने एक और पेज आ जाता है। मैंने कहा इनकी जो यार मुझे सीरियसली इनकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत लंबी लगी क्योंकि ये बार बार साइन अप साइन इन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को दोबारा से डिटेल डालने का मौका मिल जाता है। तो जस्ट आप लोग यहाँ पे स्किप नाउ पे क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, यहाँ से ये चीज़ छोड़ दे सकते हो, बाकी आप लोग को फिल करनी है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग आ जाओगे, अब आप लोगों के सामने माई आई एम लर्निंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग के सामने पूरा कंटेंट दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को कंटेंट देख के अब आप लोगों ने जिस कोर्स में इनरोल किया था यहाँ पे आ चुका है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। तो आप लोगों ने इस कोर्स में इनरोल किया था, इसमें इन प्रोग्रेस लिखा आ चुका है। आप लोग चाहो तो 3-4 कोर्स में इनरोल कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है एक कोर्स में ही, आप लोग और कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हो आई थिंक। उसके बाद यहाँ पे लॉन्च कोर्स पे आप लोग को क्लिक करना है, अनरोल करना है तो वो भी कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे लॉन्च कोर्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को इसका कंटेंट किस टाइप का होता है और सर्टिफिकेट आप लोग को किस टाइप से मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग के सामने ओपन हो चुका है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, ये कोर्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे लॉन्च कोर्स पे आप लोग क्लिक करके इसकी वीडियोस देख सकते हो, जो कि थोड़ा टाइम ले रही थी, मैंने पहले भी ट्राई किया था, तो नेट की स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए आपके, तब ये बढ़िया से काम करेंगी इसकी वीडियोस। तो यहाँ पे आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाती हैं, तो ये सारा कंटेंट आप लोग को देखने को मिल जाता है यहाँ पे कोर्स में। तो यहाँ पे अभी भी लोडिंग ही हो रहा है, वरना मैं आप लोग को कंटेंट दिखाता, यहाँ पर मैं जस्ट बैक आ गया आप लोग को और चीज़ें दिखाने के लिए इस कोर्स में। तो यहाँ पर उसके बाद आप लोग मॉड्यूल्स पर क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को इसमें पता चल जाएगा इस कोर्स में आप लोग को क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मॉड्यूल्स पर क्लिक करके आप लोग को फर्स्ट टाइम इन द कोर्स आ चुका है, ये एथिक्स क्यूज होगा, यहाँ पर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस होगा, क्यूज वगैरह हैं यहाँ पे अलग अलग, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा, अटैक्स एंड टेक्निक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को चैप्टर वाइज कंटेंट दिख रहा होगा, 5 से 6 चैप्टर होते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक फीडबैक फॉर्म होता है जो कि कोर्स के बारे में होता है, आप लोग को कोर्स कैसा लगा वो भर दीजिएगा। उसके बाद एक एग्जाम होता है जो ये फाइनल एग्जाम होता है, इसमें आप लोग को इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये फाइनल एग्जाम डिपेंड करता है आप लोगों के सर्टिफिकेट पे दोस्तों, ये फाइनल एग्जाम जैसे ही आप लोग क्लियर करोगे उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाता है। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है, सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं मिलता आप लोगों को। सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन का मतलब है यानी कि आप लोगों ने इनकी वेबसाइट से ये कोर्स किया है, आप लोगों को नॉलेज है इस कोर्स की, आप लोग इस कोर्स में एक्सपर्ट हो दोस्तों, इसका मतलब यही होता है। तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन के लिए दिया हुआ है कंटेंट, तो वो भी आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे अब आप लोग को अपने अकाउंट डिटेल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड मिल जाता है आप लोगों का, यहाँ पे कैलेंडर और यहाँ पे इनबॉक्स। इनबॉक्स में बेसिकली जो जिन्होंने ये कोर्स बनाया वो आप लोगों को मैसेज करते रहते हैं यहाँ पे कि आप लोगों को ये कंटेंट पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है। अभी मेरा मैंने जैसे आप लोगों के सामने इनरोल किया है तो इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है, जैसे आप लोग को टाइम लगेगा आप लोग इनरोल करने के बाद यहाँ पर डिटेल्स आने लग जाते हैं आप लोग जो इनरोल करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर माई नेट अकेडमी पर आप लोग क्लिक कर सकते हो दोस्तों, माई नेट अकेडमी पर क्लिक कर दो तो आप लोगों के सामने दोबारा से ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आप लोग को सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ, वहाँ से आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वहाँ से जस्ट आप लोग का हो जाएगा, वहां पे सर्टिफिकेट नहीं होगा आप लोग के लिए। सर्टिफिकेट के लिए आप लोग को यहां पे क्लिक करना होगा सर्टिफिकेट एंड लेटर्स पे, तो यहां जाके आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी देखो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन 0 है क्योंकि मैंने अभी कोई कोर्स किया नहीं है, कोई वीडियो देखी नहीं है, कोई क्यूज दिया नहीं है, कोई फाइनल एग्जाम दिया नहीं है। तो जैसे ही मैं आप लोग को
दिखा सकता हूँ कि आप लोग यहाँ से जाके कर सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो। जैसे आप लोग फाइनल एग्जाम दे दोगे यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट दिखाई देने लग जाएगा, यहाँ पे डेट होगी, सिस्को कोर्स नेम होगा आप लोगों का, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आपको FAQs वगैरह पढ़ने हैं सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें भी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी इस टाइम पर हेल्प हो सके। आप लोगों को तो मेरी वीडियो मिल चुकी है तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियो मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।